हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना झारखंड से रिलेटेड कुछ जानकारियां देने वाले हैं। इसमें हम बताने वाले हैं कि दोस्तों, कि जो आवेदक पहले आवेदन कर चुके हैं फसल राहत योजना में, उनको और सुखाड़ राहत योजना में आवेदन करना है या नहीं करना है, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने वाले हैं। उसके पहले आपको यहाँ पर देख लेना है, महत्वपूर्ण सूचना में यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना में लाभ लेने के लिए जल्द से जल्द आवेदन करें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप पहले भी आवेदन कर चुके हैं तो फिर से आपको आवेदन करना है। उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो भी हम आपको प्रूफ के साथ बता रहे हैं दोस्तों। इसमें देखिए, महत्वपूर्ण सूचना के बाद आपको यहाँ पर दिखाया गया होगा, किसान भाई सभी प्रकार की समस्याओं के निवारण हेतु किसान कॉल सेंटर पर नंबर इतना दिया हुआ, इतना पर संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस पर हमने संपर्क किया था, वहाँ पे कॉल सेंटर से हमने बात किया, वहाँ पे बताया ये कि आपको क्या क्या आवश्यकता है। चलिए, हम आपको प्रूफ के साथ आपको ये रिकॉर्डिंग आपको हम सुना देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि ये सही है या गलत है। और इसका कोई लास्ट डेट मेंशन नहीं किया हुआ है दोस्तों कि 30 तारीख तक ही आवेदन करना है। हम ये भी सारा पूछ लिए थे, आप देख लीजिएगा, सुन लीजिए, आपको ध्यान से सुनना है यहाँ पे। तो चलिए, आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है किसान भाइयों से कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम झारखंड से रिलेटेड कोई भी स्कीम आता है तो उस पर हम नए नए वीडियो डालते रहते हैं, उसमें जानकारियां देते रहते हैं। तो चलिए, आपको सुनाते हैं वो रिकॉर्डिंग। देखिए दोस्तों, ये वही नंबर है, हेल्पलाइन नंबर, आप चेक कर लीजिएगा, कोई हम फॉल्स नहीं बता रहे हैं, इसमें हम रिकॉर्डिंग किए हुए हैं। तो चलिए, रिकॉर्डिंग को हम आपको सुना देते हैं कि क्या है क्या नहीं है, प्रूफ के साथ दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। अगर आप बिहार से बोल रहे हैं तो एक नंबर बटन दबाएं, अगर आप झारखंड से बोल रहे हैं तो दो नंबर बटन दबाएं। किसान कॉल सेंटर में आपका स्वागत है। ये कॉल प्रशिक्षण और गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य के लिए रिकॉर्ड की जा सकती है। मैं आपका नाम, जिला और ब्लॉक जान सकती हूँ? मैम, मेरा नाम ऋषि कुमार शर्मा है, गिरिडीह जिला। कुमार जिला? जिला गिरिडीह। जिला गिरिडीह, ब्लॉक सरिया। सरिया जी मैम। जी सर, बताएं मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ। मैम, ये पूछना चाह रहे कि हम झारखंड राज्य फसल राहत योजना में फॉर्म फिलअप करके EKYC भी हम कर चुके हैं, तो सुखाड़ राहत योजना के लिए फिर से हमको आवेदन करना पड़ेगा क्या? जी सर, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फिर से रजिस्ट्रेशन करना है जी, क्योंकि दोनों अलग अलग है। ओ जी, तो क्या मैं आपकी कोई और सहायता कर सकती हूँ? नहीं मैम, कुछ और नहीं, बस नहीं पूछना था। और मैम, पूरा प्रोसेस फिर उसी तरह है? सर, जिनका नहीं हो पाया है जी मैम, मुख्यमंत्री जी, सर प्रोसेस वही, इसमें थोड़ा अलग है, इसमें लगेंगे आपको वोटर आईडी भी लग रहा है। यस सर जी, इसमें लगेंगे, मैं बता रही हूँ, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन रसीद, वोटर आईडी, वंशावली और मोबाइल नंबर। और इसका लास्ट डेट मैम? सर, इसका भी कोई डेट नहीं ऐसा है। जी ओके मैम, आपकी कॉल को IVR में ट्रांसफर करें, कृपया करके अपना फीडबैक दें किसान को। तो देख सकते हैं दोस्तों, हम ये यहाँ पे आपको दिखा दिए हैं लाइव प्रूफ के साथ, हम दिखा दिए हैं कि क्या चाहिए नहीं चाहिए, इसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासबुक नंबर, उसके बाद एक वंशावली चाहिए दोस्तों, और इसका कोई लास्ट डेट मेंशन नहीं किया हुआ है दोस्तों। तो आप घबराइए मत, आराम से कीजिए, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो इस तरह से आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। हमारे पास कोई CSE ID नहीं है, नहीं तो हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे आवेदन करना है। आप किसी भी CSE सेंटर के पास आप जाइए, वहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए, आपको आवेदन वहाँ से कर लेना है, उसके बाद आपका हो जाएगा और आपका EKYC भी साथ में हो जाएगा। तो इस तरह से आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि फसल राहत जो है वो अलग है, सुखाड़ राहत अलग है। फसल राहत का योजना का जो है वो दोस्तों प्रत्येक साल निकलता है, इसमें किसानों को फसल उगाने के लिए कुछ पैसे दिए जाते हैं। और सुखाड़ राहत में ये है दोस्तों कि इसमें जो जमीन, इस बार जो खेती नहीं हुई, कोई किसान कर नहीं पाया है, तो उसके लिए इसमें
पैसे दिए जा रहे हैं, तो वो सुखाड़ राहत अलग है और फसल राहत अलग है दोस्तों। तो इस तरह से आप जान सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।